कितना फॉलो कर पा रहे हो कुछ आपकी? मैं देख नहीं पा रहा हूँ इतना, बट बहुत कम फॉलो कर पा रही हूँ। मत बुलवाओ ये सब। बिग बॉस नहीं देख रहा मैं यार, उतना नहीं देख रहा हूँ। बहुत ठंडा लगा। अब बिग बॉस नहीं देख रहा मैं। बिग बॉस बिल्कुल नहीं देख रहा है। नहीं देखा है आज। तूने जो सवाल पूछने पूछ ले, बट मैंने नहीं देखा है। बोल क्या, किसकी एंट्री, वो कौन है? अच्छा विकास गुप्ता। तो विकास क्यों बोल रहा है? विकास गुप्ता। अच्छा अच्छा, वो जो पहले एंटर हुए मुझे उनका भी नहीं पता यार, क्यों मैंने देखा। अरे भाई ये क्या? अरे तो मैं कहाँ आया हूँ, जन्मदिन के लिए आया हूँ। मेरा सवाल है, क्या ये नया नया भाई है? ये सवाल जो पूछ रहा है उमर, क्या आपने शालिनी को माफ कर दिया? अरे भाई आज क्या खाया आप लोग? एक एक सवाल है, क्योंकि शालिनी ने एक काफी कमेंट किया था आपने। नहीं नहीं यार, माफ़ करने वाली बात, ऑब्वियसली गलती हर कोई करता है, और मैं कौन हूँ तो माफ़ करने वाला। मैंने अपनी तरफ से एक यू नो आई वाज अपसेट और यू नो कंसर्न, तो मैंने एक मैसेज किया था। अदरवाइज यू नो इट्स ऑल गुड, आई एम श्योर। तू कर रहा है? मैं टाइमिंग कर रहा हूं, नहीं कर पा रही है। नहीं कर रहा है। हां जी, अब तू बड़ा क्यूट है यार, आई थिंक इज वेरी क्यूट। फैंस या बट इट्स टू मच रियलिटी भी हो जाता तो अच्छा ही हुआ, नहीं गया, और अच्छा जा रहा है शो, देख रहा हूँ मैं स्टैंड को। 2023 में दिसंबर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अनाउंस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ। अभी शांति से इसलिए बैठा हूँ क्योंकि घर पे बहुत काम कर रहा हूँ, तो कुछ अनाउंस करूँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा यार, नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, बाकी देखते हैं। लॉकअप आया तो और मज़ा है। बिग बॉस में स्टैन मेरे को पसंद है, वो इंसान पसंद है इसलिए आई नो, स्टैन पसंद है, रोजिक पसंद है, और मज़ा आ रहा है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इतना, बट थोड़ा बहुत देख रहा हूँ तो उसमें मज़ा आ रहा है। स्टैन बहुत कम फॉलो कर पा रही हूँ, बट ही इज सो क्यूट। बिग बॉस मुझे अंकित बहुत पसंद है, आई रियली लाइक अंकित, आई थिंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी जेन्युइन। बस हाँ, किनके? विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता किसकी एंट्री हो रही है? अच्छा सॉरी, आई डोंट नो। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं मालूम के बारे में कुछ। कौन? अंकित, प्रियंकित। आई थिंक दे आर लवली पेयर एंड देयर इज फ्रेंडशिप, और वो बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने को। मत बुलवाओ ये सब, मैं जा रही हूँ। बट नहीं, सब अच्छा अच्छा खेल गए। ड्रैगन फ्लाई जा रही हूँ। ऑफ कोर्स जाऊंगी, बट नॉट एज अ कंटेस्टेंट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन पुल ऑफ अ रियलिटी शो, बट आई वुड लव टू गो एज अ गेस्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा देख रहा था, अभी तो फिलहाल उतना नहीं देख रहा हूँ। बहुत ठंडा लगा। अब्दुल खाली मचा रहे हैं। अब्दुल अच्छा, एमसी स्टैंड सही है। अब्दुल और एमसी चाहिए अपना। शिव भी सही कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है शिव। बहुत स्टैंड को पहले ही फॉलो करते हो, पर सलमान ने बोला कि कैसा ठंडा रैपर है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लेकिन जो क्रेज होना चाहिए रैपर, जो रैपर में जोश होता है, वो उनका टिकट होता है। यार मुझे ये लगता है कि यार हमने हमेशा उसका ऑडियो सुना है जो हमेशा मिक्स्ड और मास्टर्ड रहता है, साउंड एक अलग रहता है ना, वो वहाँ पे उसके पास वो टेक्निकल चीज़ें नहीं है जहाँ पे वो अपना रैप करके सुना सके और प्रूव कर सके, और हर आर्टिस्ट के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जो साउंड सुनाई देता है ज़रूरी नहीं कि सामने भी वो इंसान वैसे ही रहे, है ना। तो सही बोला, गेम बहुत अच्छा खेल रहा है वो। शिव का गेम अभी हाल फिलहाल सबसे अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, और मैं तो यही चाहूँगा शिव, एमसी स्टैन और शिव तो पक्का है। शिव तो पक्का है। शिव या प्रियंका में से प्रियंका होगा। शिव या प्रियंका,
नहीं 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 कभी नहीं, हम लोग बहुत टाइम हो गया उससे मिले भी नहीं, क्योंकि वो बाकी सब बाकी दोनों बहुत बिजी चल रहा था झलक में, वो छः छः दिन प्रैक्टिस रहती थी उसकी, हम लोग से मिलता नहीं था, आठ आठ घंटे की प्रैक्टिस। मैं बिग बॉस को डेफिनेटली फॉलो कर रहा हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं 100% फॉलो करता हूँ। यार एमसी स्टैन एकदम कड़क है ना, वो मुझे बहुत सही लगता है। मुझे मुझे शिव बहुत अच्छा लगता है, शिव बड़ा वो इज लाइक अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी यू नो, तो वो बड़ा सही खेल रहा है। मुझे निमृत अच्छी लगती है, टीना मेरी दोस्त है, शालीन मेरा दोस्त है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके अब एक निकल गई और दूसरे आई है, वो दोनों के ही वांदे, दोनों क्या एक दूसरे को कंपटीशन दे गई, मतलब वो कुछ कर ले वो भी तो अच्छा ही रहेगा, वो भी दोस्ती है मेरी पर कुछ कर ले। हाँ क्या होता है ना कि कभी कभी जब आप नया नया शो में जाते हो ना तो मेंटली आप सेटल नहीं होते हो, है ना, तो मेरे ख्याल से वही हो रहा है, पहले वो मेंटली सेटल हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इतने दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनका एक मानसिक संतुलन चल रहा है, और आपातकालीन स्थिति में अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप उल्टा ही गिरने वाले हो, तो आई थिंक थोड़ा संभल जाओ, उस हिसाब से आप देखो समझो और फिर खेलो। वेल मुझे मौका, मैं जब मैं गया था तब एक बड़े इमोशनल ट्रॉमा से जा रहा था, और छोटा बच्चा था मैं यार, मैं एक रीज़न की वजह से गया था, उस रीज़न के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब लॉकअप में भी था यार, मेरा ये मानना है कि दोस्त दुनिया तो हम हज़ारों जानते हैं, लेकिन बनाओ तो गहरे दोस्त बनाओ, वरना बनाओ ही मत। ये अब्दू भी बहुत प्यारा है यार, वो बड़ा आई थिंक ही वॉज, अब्दू और अंजलि मेरी बहन दोनों इन द टॉप गूगल टॉप चार्ट्स में आए हैं, इन द मोस्ट सर्च पीपल, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। और अब्दू भी बहुत प्यारा बंदा है, और सबसे सबसे समझदार वो बंदा है जो मुझे लगता है, उसकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती है हाइट की वजह से, और सबसे समझदार वो है। अंजलि साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, क्या बात है? Thank you. Nice cover, sorry. Nice cover. Yes, yes. क्या बात है? मेरी गाड़ी क्या बात है? क्या बात है? ओके ओके, बाय 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 बाय।